Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way2 Physics. I am Sandhya and today I will be solving 2018 GATE Physics paper. Okay, so let's start part 1. Okay, in this part we will be solving first 15 questions. So let's start. Question number 1. The eigenvalues of a Hermitian matrix are all, and the following are the given options, right? Now you know that by definition, Hermitian matrix is what? That is A dagger is equals to A, and eigenvalues of Hermitian must be real for this satisfaction, okay? For this condition to be satisfied. And skew Hermitian is what? That is reverse of, or you can also say that is anti-Hermitian, right? Anti-Hermitian also, which is A dagger must be equal to minus A. Now in this situation, the eigenvalues either be zero or purely imaginary, right? अब देखो ये question हमारा दूसरे तरीके से भी आ सकता है, जिसमें हमें iota one plus iota minus one और either three ऐसे कुछ हमें eigenvalues के लिए हमें क्या दिए हुए हैं ऑप्शंस, ओके, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन. देन हमसे पूछा गया है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज निकालो, ओके. सो उसके अकॉर्डिंगली देखो हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है. यहाँ पे भी आपका इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट. एंड यहाँ पे भी आपके पास देखो, अब ये तो हम इसको लिख सकते हैं ना एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, तो आपका इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट करता है, राइट. यहाँ पे भी कर रहा है, बट दिस वन ऑल्सो, दिस इज ओनली रियल इन द फॉलोइंग ऑप्शन, राइट. तो यही हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए आ जाएगा, ओके. या फिर ऐसे भी हो सकता है ये सिर्फ एक आइगन वैल्यू के लिए है, या फिर ऐसा हो आपको पेयर दिया हो आइगन वैल्यू का, जीरो वन माइनस वन, जीरो आयोटा माइनस आयोटा, और वन प्लस आयोटा, आयोटा और थ्री, राइट. कुछ ऐसे दिया हो तो हम सिर्फ रियल नंबर्स वाला पिकअप करेंगे, राइट. तो देखिए ऐसे ऐसे भी हमारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ओके. नेक्स्ट वन, Which one of the following represent 3p radial wave function of hydrogen atom? अब hydrogen atom के लिए हमारे पास 3p radial wave function हमारे पास ये given होता है, okay? अब ये देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं further, अगर आप हमें क्या है graph plot करना है, right? With respect to r by a naught, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस ये क्या है आपके पूरा क्या है ये constant के form में है, right? That means अगर हम इसको A let करते हैं, okay, and B को हम let करते हैं, that is Z by A naught, right? So आपके पास देखिए कैसी form में बनेगा. अगर देखिए ये 3/2 power है and ये 1 power है, right? So that means 5/2 की form में बनेगी, तो आपके पास इसको further हम ऐसे substitute कर सकते हैं, okay? B और हमने ये चीज 6 minus Z R, this B हमने लिया है Z by A naught, और हम A हमने ये लिया है, ओके. सो इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट. अब यहां पर देखिए आपकी डिपेंडेंसी कैसे है, R और B R by 3 cos theta and 6 minus PR, राइट. तो अब देखो यहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो अगर हमारे पास R by A naught 0 की फॉर्म में है, दैट मीन्स R 0 है आपका, राइट. R by A naught 0, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे. तो यहाँ पे आपका अगर R 0 है, तो इस R की वजह से क्या होता है, ये हमारे पास वेव फंक्शन 0 हो जाता है, राइट. तो इसका मतलब 0 पे आपका 0 होना चाहिए, बट देखो यहाँ पे ये कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट मींस दीज टू ऑप्शंस गेट एलिमिनेटेड, राइट. अब देखिए ये दो 0 पे 0 एग्जिस्ट कर रहा है, राइट. बट अब एक और कंडीशन है हमारे पास, अगर ये वाला इक्वेशन, राइट, अकॉर्डिंगली अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखे, देन ये आपका कैसे होगा, अगर 6 माइनस बी आर हम इक्वेट करें इक्वल टू 0, देन आपके पास b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दैट मस्ट बी योर 6 बाय r, राइट. या फिर r की वैल्यू r की टर्म्स में निकालनी है ना, तो हम r की वैल्यू लिखते हैं, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 6 बाय b, राइट. अगर हम ये इक्वेट करते हैं तब भी हमारे पास वेव फंक्शन 0 होता है, राइट, ड्यू टू दिस टर्म. सो यहाँ पे भी आपके पास वेव फंक्शन 0 आ रहा है, और आइदर कैसा होता है, अब एक्सपोनेंशियली हमारा बिहेव कर रहा है, राइट, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग बिहेव कर रहा है बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन. तो हमारे पास देखिए एक ये वैल्यू है जहां पे, अब देखो ये जीरो हो रहा है, राइट, बट हमारा यहाँ पे जीरो अगर हम इसको बोले 6 बाय बी पर हो रहा है, बट एक्सपोनेंशियली देन डिकेइंग भी कर रहा है. सो अगर नेगेटिव की साइड जाएंगे तो एक्सपोनेंशियली हमारा राइजिंग करेगा, राइट. सो दैट मीन्स
एट दिस आर मस्ट बी इक्वल्स टू 6 बाय बी फॉर्म. ओके सो दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर दिस बी इज करेक्ट वन. ओके ये भी एलिमिनेट हो गया. अब देखो इसको करने का एक और मेथड है. ओके ये तो था तब जब हमें ये वाली वेव फंक्शन याद हो, राइट. बट ऐसा उस टाइम पे मान लो हमें वेव फंक्शन याद नहीं है तो हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करें, ठीक है. तो देखिए हमारे पास हमें ये पता है आर एन एल ऑफ हाइड्रोजन एटम है हमारे पास इन इन वेरीज जो हमारे पास एक जनरल वेव फॉर्म होती है जनरल वेव फंक्शन के फॉर्म में होता है उसमें हमारी ये डिपेंडेंसी कैलकुलेट होती है, राइट. ये यहीं से इसी फॉर्मूले से ये इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है. ओके तो देखिए अब ये कैसे वेरी कर रहा है आर रेज टू पावर एल फॉर स्मॉल आर. ओके स्मॉल आर पर लार्ज आर पर कैसे डिवेट कर रहा है डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली बिकॉज एक्सपोनेंशियल के साथ हमारे क्या था नेगेटिव साइन, राइट. दैट मींस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है और नेगेटिव पे हमारा क्या होगा एक्सपोनेंशियली वो अराइज करेगा, राइट. और हमारे पास नोड्स कितने होते हैं नोड्स दैट मींस एक्सेप्ट आर इक्वल्स टू जीरो. ओके नॉट इंक्लूडिंग आर इक्वल्स टू जीरो नोड्स दैट मींस टचेस द वैल्यूज एट जीरो फंक्शंस. ओके अकॉर्डिंग टू दिस, राइट. तो अब देखिए नोड्स कितने होते हैं. अब 3p स्टेट हमें गिवन है. ओके स्मॉल r के लिए हमारे पास p के लिए वैल्यू क्या है आपके पास 1. दैट मींस r की तरह बिहेव करेगा दैट मींस आपके पास कैसे जाएगा कुछ एक्सपोनेंशियली दैट इज स्ट्रेट लाइन के टर्म्स में जाएगा, राइट. आफ्टर दैट अब बोला है उसके पास एक्सपोनेंशियली अब लार्ज r में क्या करेगा वो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, राइट. एक्सपोनेंशियली डिके मींस दिस इन दिस फॉर्म, राइट. अब नोड्स कितने होंगे n इज व्हाट दैट इज 3 इटसेल्फ हियर, राइट. n इज 3 p इज दैट इज ड्यू टू p l इज व्हाट 1, राइट. सो दैट मींस 3 माइनस 1 माइनस 1 दैट मींस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1. सो दैट मींस एक नोड भी आपका एग्जिस्ट करेगा. तो ऐसे कुछ आएगा कि ये एक्सपोनेंशियली फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल r के लिए वो r की तरह स्ट्रेट लाइन बिहेव करेगा देन एक्सपोनेंशियली डिकेइंग करेगा एंड देन एक्सपोनेंशियली कुछ ऐसे डिके करेगा एंड देन वो एक नोडल नोड्स भी बनाएगा. ओके तो अकॉर्डिंग टू दिस तो आप ये देखिए ये मेन ये चीज याद रखिए. ओके यहां से आप अप्रोच कर सकते हैं ना इजिली क्वेश्चन में. ओके नेक्स्ट वन. अब देखिए ये हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स है इसके किसके अकॉर्डिंगली होता है. ओके देखो फर्स्ट वन स्टर्न गर्लच एक्सपेरिमेंट दिया है जीमन इफेक्ट दिया है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट दिया है डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट दिया है. ओके अब देखिए हमें ये पता है कि जो स्टर्न गर्लच एक्सपेरिमेंट होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन स्पिन की एग्जिस्टेंस होती है, राइट. इलेक्ट्रॉन स्पिन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं वहां चीजें. तो आप ये देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दैट मींस फॉर पी इट विल बी थर्ड ऑप्शन. ओके एंड जीमन इफेक्ट क्या होता है हमारा जीमन इफेक्ट इज इटसेल्फ दैट इज स्पेस क्वांटाइजेशन होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम का और अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड में भी बुलाओ तब भी हम ली जाती है, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास देखो एंगुलर मोमेंटम का स्पेस क्वांटाइजेशन, राइट, गिवन. सो क्यू इज बिलोंग्स टू 4. ओके एंड फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या होता है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम. ओके सो दैट मीन्स आर बिलोंग टू 2nd. एंड देन डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ इट सेज अकॉर्डिंग टू वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्योंकि वेव पार्टिकल में कहते हैं देखो तो ये चीजें रिमाइंड होती रहती हैं जैसे जैसे आप वो करेंगे ना ये हमने कहा कौन से उसमें किया था कौन से यूनिट में किया था. सो दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन. ओके नेक्स्ट वन देखिए इट सेज यस इट इज डन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई द यूनिट वेक्टर थीटा एट 10 पाई बाय 4 पाई बाय 2 इज. नाउ देखिए आपके पास r हमारे पास ये फॉर्म होती है लिखने की, राइट. और अगर आपके पास x y z ये भी हमारे पास एक फॉर्म होती है दैट इज साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा, राइट. Then according to this, it will be cos theta cos phi cos theta sin phi and itself be 0, sorry, minus sin theta and then it will be minus sin phi and then this is cos phi and it will be 0. So, ye accordingly, humare paas bhi behave karta hai, right?
अब देखिए हमारे पास इस अकॉर्डिंगली, अब देखो अगर ये चीजें सब नहीं याद रहती है तो देखो ये तो डेफिनेटली आपको याद रहता है पोलर में कैसे बिहेव करते हैं, राइट। सो इसके अकॉर्डिंगली आप यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं, देन इट विल बी डेल आर मैग्नीट्यूड अपॉन आर कैप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए एंड अपॉन में मैग्नीट्यूड कीजिए, ओके। सो अकॉर्डिंगली आपके पास ये फॉर्मूला आता है। अब ये हमारे कुछ, ये वैसे एक्चुअली आप याद ही कर लीजिए क्योंकि ये क्या होता है, ये मेन हमारे यूनिट वेक्टर्स है। देखो फॉर्म में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स करोगे, समझने का तरीका होता है थीटा एंगल कहाँ पे हमारा जेड एक्सिस के साथ है, फाई एंगल हमारा एक्स और वाई प्लेन में एक्स एक्सिस के साथ है, राइट। सो अकॉर्डिंगली ये चीजें बिहेव करती हैं। अब देखो हमें निकालना कहाँ पे, 10 पाई बाय 4 और पाई बाय 2 पे, राइट। दैट मींस आर इज गिवन टू अस, दैट इज 10, थीटा इज व्हाट पाई बाय 4 एंड फाई इज व्हाट, दैट इज पाई बाय 2, राइट। अब ये वैल्यूज रखिए, आर थीटा कैप में निकालना था, देखो आर तो है ही नहीं, नो यूज, ओके। थीटा पाई बाय 4, दैट मींस कॉस पाई बाय 4 एंड कॉस फाई कितना है पाई बाय 2। अब कॉस पाई बाय 2 कितना होता है आपके पास, जीरो, दैट मींस ये भी आपका जीरो हो जाएगा, राइट। अब देखिए पाई बाय 4 दैट इज 1 बाय रूट 2 एंड साइन फाई इज व्हाट, 1 इटसेल्फ, देन इट विल बी जे कैप, ओके। वैल्यूज रखने के बाद एंड देन माइनस साइन थीटा, देन माइनस साइन पाई बाय 4 इज व्हाट, माइनस 1 बाय रूट 2 के कैप, राइट। तो देखिए ये आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज योर डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ओके, गॉट इट। नाउ देखिए नेक्स्ट वन, इट सेज द स्केलर स्केल फैक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। अब हमारे पास लेंथ एलिमेंट क्या होता है, लेंथ एलिमेंट फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, राइट, दैट चेंजेस अकॉर्डिंगली, डी एल डी आर आर कैप, आर डी थीटा थीटा कैप एंड प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। अब कॉफिशियंट्स जो हमारे आर डी थीटा एंड डी फाई की रिस्पेक्ट में जो कॉफिशियंट्स होते हैं वो कहते हैं हम स्केलर स्केल फैक्टर और स्केलर फैक्टर, ओके। सो अकॉर्डिंगली देखिए आपके पास क्या है, दैट विल बी 1 कॉफिशियंट एंड फॉर दिस इट विल बी आर एंड फॉर डी फाई इट विल बी आर साइन थीटा। सो दीज आर दी कॉफिशियंट्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ओके। सो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इट सेज दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लाई टू द नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, ओके। अब देखिए नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, स्मॉल ऑसिलेशंस के अंदर अगर आपका थीटा क्या होता है, बहुत स्मॉल चेंज करता है, राइट। अगर मान लीजिए आपके पास फॉर्म है, ठीक है, और ये थीटा बहुत स्मॉल है, दैट मींस ये कैसे फॉर्म बिहेव करेगा, ऑसिलेशंस के बजाय ये लीनियर मोशन करेगा, राइट, 1 2 दिस टू दिस, थोड़ा ही जस्ट स्मॉल चेंज, देन इट विल बी लीनियर मोशन एंड 1D लीनियर मोशन। उसी मोशन को हम कहते हैं या तो लीनियर लीनियर मोशन या फिर नॉर्मल ऑसिलेशंस, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस ईच नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स कंटेन ओनली अ सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉट ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। रीजन फॉर दिस, क्योंकि अब देखो ऑर्थोगोनल में क्या होता है, आपके पास अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट में है दैट मीन्स उनका जीरो आता है, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास जीरो आता है, ऑर्थोगोनल यही होता है, दैट इज आई क्रॉस जे विल बी कम्स आउट टू इन के कैप, राइट, साई वन साई टू, या फिर ऐसे फॉर्म में जो हम लेते हैं साई वन साई टू इज व्हाट, जीरो, दैट इज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, राइट, दैट मीन्स आई डॉट जे जीरो, ओनली आई डॉट आई इज वन एंड साई वन टू साई वन इज वन, राइट, यही होता है हमारे पास ऑर्थोगोनल, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि अगर वो हमारे पास एक ही मोशन, वन डायमेंशनल मोशन है, तो आपके पास ये तो आएगी ही नहीं, राइट, सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस दे आर नॉट ऑर्थोगोनल, राइट। अगर 2D मोशन होता या 3D मोशन होता तो वहां पे ये बिहेव कर सकता था, ओके, ऑर्थोगोनल हो सकता था। सो दैट मीन्स, अब यहाँ पे पूछा था हमारे पास नॉट, दैट मीन्स ईच नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स हैज एन आइगन फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद, यस इट इज करेक्ट, द नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स आर ऑर्थोगोनल टू वन अनदर, नो दिस इज नॉट एप्लीकेबल, सो योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ओके। और नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स हमारे इंडिपेंडेंट भी होते हैं, राइट। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स इटसेल्फ। अब देखो क्या करते हैं हम,
जब हम ये कांस्टेंट हम वैल्यू लेते हैं देन इट विल बी हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस, राइट, हम लेते हैं ना जो ये चीजें, ये तो देखो काइनेटिक पोटेंशियल की टर्म्स में लेते हैं ना, जो ओमेगा स्क्वायर टी माइनस वी की टर्म्स में हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, राइट, तो वहां पे भी हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं, वही ये चीज बोली गई है. ओके, आई होप यू गॉट इट. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7. फॉर द गिवन यूनिट सेल ऑफ टू डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस, विच ऑप्शन लिस्ट इज ऑल द प्रिमिटिव सेल्स. ओके, देयर आर फोर फाइव टोटल फाइव प्रिमिटिव सेल्स गिवन, बट वी हैव टू फाइंड आउट फाइव सेल्स गिवन विच इज वन प्रिमिटिव और विच इज नॉट. ओके, नाउ सी, प्रिमिटिव सेल इज वॉट, दैट इज कंटेन ओनली वन लैटिस, contains only one lattice point, right? So that means n effective is equals to 1, that is total n effective must be equal to 1, and non-primitive cells are those which have more than one lattice point, that is FCC or BCC are examples, right? And simple cubic is example of primitive cell, and here n effective must be greater than 1. Now let's find n effective. For if first one, n effective is what, that is there are total 4 and that will be divided by this. So it will be 1 by 4, fourth, right? Fourth part it will itself, because of, you can say that if this is, then this part is what, 1 by 4th, right? So that will be 1, 2, 3, 4, 4 times of 1 by 4. Then it comes to 1. So yes, it is primitive cell. Now next one, for second itself again, then it will be 1 by 4 into 4, 1 itself, okay? Now third one, see, there is no lattice point at corner itself, but there is lattice point at center, so that will also, an effective must be whole, for whole, right, ye pura hamare paas andar hai, inside hai, right, so that means one hai, exist karta hai pura, right, same fourth mein aapke paas bhi dekho sirf ek hi hai aur wo pura exist kar raha hai, to iska matlab one, right, but in fifth, dekhiye fifth mein kaise karenge, 1, 2, 3, 4 at corners, that means 1 by 4th of 4 times, but there is twice of 2 times. Now it is according to this, then this portion be half of, right, so half for first and second, so that means half of 2, so it comes out with 2, so also you can say that it is face center type, right, so that is 1, 2, 3, 4 are correct. So yes, C option is correct one. Okay. Now, dekhiye. Question number 8. Among the electric field and magnetic field, angular momentum and vector potential, which is odd under parity? Ab dekhiye, odd under parity mein hume simply pata hai, R aapke paas kya hota hai? Odd. Okay. अब इसके अकॉर्डिंगली देखिए सब निकाल लीजिए, ठीक है, आर ऑड होता है, डेल ऑड होता है, ओके, अब ये देखिए फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, डेल भी ऑड होता है और वेक्टर पोटेंशियल भी हमारा ऑड होता है, राइट, सो ऑड ऑड हमारे पास बी कितना बनेगा, दैट इज स्यूडो वेक्टर्स और ट्रू वेक्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं, दैट इज बी इज वॉट, इवन अंडर पैरिटी, राइट, एंड ए इज ऑड एंड अकॉर्डिंग टू टाइम देन इट विल, ई इज ऑल्सो ऑड हेयर, राइट. Now angular momentum is what, r cross p itself, so that will be also even because r is also odd and m is what, that is p, m, v and velocity be in terms of r itself, then it will be odd also, right. So according to this we have to find odd under parity, so odd will be, that is e and a, right, a is also odd, so yes, your option number b is correct one. Okay. Next one, question number 9. It says the expression for the second overtone frequency in vibrational absorption spectra of diatomic molecule in terms of harmonic frequency and enharmonicity constant. Right? Now, vibrational absorption ke liye hamare paas energy kya given hai? That is gm equals to omega e v plus 1 plus 1 by 2 minus omega e xc into v plus 1 by 2 whole square, right? Ab dekho, hamare paas kaise levels hote hain, 0, 1, 2, 3. 0 to 1 jo hamare paas transition aata hai, wo kaun sa hota hai? Fundamental, right?
बट 0 टू 1 देयर विल बी फर्स्ट ओवरटोन, सो इट विल बी सॉरी 0 टू 2 इट विल बी फर्स्ट ओवरटोन एंड 0 टू 3 इट विल बी सेकंड ओवरटोन इटसेल्फ. ओके नाउ फर्दर देखो क्या क्या क्लियर कर रहे हैं हम. फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल दैट इज 0 टू 1 टू 0 राइट डिफरेंस, देन इट विल बी फंडामेंटल. ओके एंड देन फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन इटसेल्फ. ओके सो अब देखो हमें पूछा क्या है सेकंड ओवरटर्न के लिए, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूलाज में पुट अप करेंगे राइट, वी वैल्यू पुट करेंगे 3 एंड 0, देन हम उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा. ओके तो दैट मींस योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फिजिकल इफेक्ट्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एनर्जी स्केल्स गिवन बिलो वेयर अल्फा इज व्हाट दैट इज ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट सी. ये कितना है हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट राइट, और एम ई और एम पी कितने हैं हमारे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ओके अब देखो बोर एनर्जी, हाइड्रोजन के लिए हम क्या करते हैं बोर्स मॉडल करते हैं ना, वहां से हम निकालते हैं सब एनर्जी निकालते हैं हाइड्रोजन की, दैट इज -13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय म्यू राइट, ये टर्म्स में निकालते हैं ना. अब देखो इसके लिए हम एग्जैक्ट एनर्जी के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है राइट, ये तो हम प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स लेके ये सब वैल्यूज पुट अप करके ये आती है आपकी. ओके डेफिनेटली हमारे पास ये फॉर्म होती है जनरल फॉर्म, सो अकॉर्डिंगली ये एच कट स्क्वायर एच स्क्वायर में होती है. अब हमारे पास अल्फा में कितना है एच कट, और एच कट क्या होता है हमारे पास एच अपॉन टू पाई, तो इसे एच कट की फॉर्म में चेंज करने के बाद आपके पास ये बनता है. ओके देन अकॉर्डिंग टू दिस हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, देन अकॉर्डिंग टू दिस इट विल बी ई इज माइनस अल्फा स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय टू एन स्क्वायर. तो अब ये देखिए किसके प्रोपोर्शनल है आपके, दैट इज माइनस और यू कैन से अल्फा स्क्वायर एम ई सी स्क्वायर. ओके और ये देखिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास फॉर बोर आर मैचेस टू 1 राइट. अब देखिए नेक्स्ट वन इज व्हाट फाइन स्ट्रक्चर. ओके फाइन स्ट्रक्चर के लिए देखते हैं अब हम, तो फाइन स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास एनर्जी कुछ इस फॉर्म में आती है हाइड्रोजन एनर्जी की फॉर्म में बोर्स मॉडल की फॉर्म में ई एन अल्फा स्क्वायर बाय एन 1 अपॉन जे प्लस 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 4 एन. आई थिंक ये जे और एल में कंफ्यूजन है, एक बार ये फॉर्मूला चेक कर लेना. आई थिंक ये एल होता है बट ओके यू कैन चेक इट. ओके अब देखिए इसकी फॉर्म में हमें डिपेंडेंसी से मतलब है तो यहाँ पे इसका कोई इतना खास रोल नहीं है. तो अब देखिए ई एन हमारे पास कितना होता है, ये अल्फा स्क्वायर इटसेल्फ है ही बट ई एन की भी वैल्यू कितनी होती है अल्फा स्क्वायर एम ई सी स्क्वायर राइट. तो आपके पास टोटल पावर कितनी बन जाएगी अल्फा 4. तो अब अल्फा 4 के अकॉर्डिंगली देखिए आपके पास कौन सा ऑप्शन मैच होता है अल्फा 4 एम ई सी स्क्वायर राइट. सो दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर अल्फा 4 एम ई सी स्क्वायर यस. सो अकॉर्डिंग टू दिस इट मैचेस विद क्यू इट मैचेस सेकेंड वन सॉरी विद क्यू इट मैचेस अल्फा 4 एम ई यस सेकेंड. ओके सो अकॉर्डिंग टू दिस देखिए अब हमारे पास ऑप्शन यहीं से आपकी कैलकुलेट हो जाएंगे राइट. R1 and Q2, there it will be only one option, which is C option is correct one. Okay, next question. The logic expression A bar BC and this can be simplified to. अब ये देखिए logic expression हमने लिख लिया है, okay, ये given है. अब देखो इसको हम further कैसे simplify कर सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो आप K mapping लीजिए या फिर आप इससे कर लीजिए. अब देखो इसमें हमें देखा कि हमने लिख के देखा तो इसमें देखो हमें कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है के मैपिंग की. ए बार सी आपका यहां से कॉमन आ रहा है, अब बी प्लस बी बार. अब ये देखिए सेम ऑब्जेक्ट के लिए बी बी बार अगर हमारे पास है देन इट विल बी जीरो, बट बी प्लस बी बार आपके पास क्या होता है वन, क्योंकि आइदर इट विल बी जीरो और आइदर इट विल बी जीरो, बट एक तो हमारा उसका अपोजिट में आएगा ही राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस योर बी प्लस बी बार इज वन एंड बी बी बार इज डॉट, सो दैट विल बी वन and that will be one itself, right? अब देखो अगर आप k mapping से भी करना चाहते हैं तो हम भी कर सकते हैं. okay? now see कैसे करेंगे? that will be a bar b bar a bar b bar a b, right? and c c bar, okay? a b c इसके accordingly भी behave करते हैं. अब a bar b c, a bar b and c it will be here, a bar c A bar B bar C itself, and then A B C bar here, and A B bar C bar itself here. Okay.
अब ये देखो के मैपिंग में क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी पेयरिंग करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, बड़ी पेयरिंग दिस इटसेल्फ, राइट। सो अब ये देखिए आपके पास यहां से क्या कॉमन है, दैट इज बी ए बार एंड सी, राइट, प्लस क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट्स में करते हैं, देन इट विल बी सी बार एंड देन फ्रॉम हियर इट विल बी कॉमन ए सी बार। ओके, देखो यहां से भी आ रहा है वो वहां से भी आ रहा है, तो आपको जो मेथड सही लगे वहां से कीजिए। ओके, बस ये के मैपिंग में थोड़ा आप श्योरिटी में हो जाते हो, बट उसमें आप वैल्यूज जब फिल करते हो तो उसमें भी ध्यान रखिएगा। ओके, सिली मिस्टेक्स होती हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा। और ये देखिए माइंड रिलैक्स माइंड होके करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, राइट। अब देखिए ए बार सी प्लस ए सी बार, ये हमारे पास कौन सी गेट के लिए फॉर्मूला है, दैट विल बी फॉर ए जोर गेट, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जोर गेट ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लो टेम्परेचर द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉमन मेटल्स इज डिस्क्राइब्ड बाय, राइट। अब देखो ये प्रीवियस ईयर आपका एक बार और रिपीट हो चुका है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और फोनोन्स के अकॉर्डिंगली जो होते हैं, राइट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फोनोन्स। सो अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, एंड फॉर फोनोन्स इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। सो दिस विल बी दी ओनली ऑप्शन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ओके, अब देखो ये स्पेसिफिक हीट है, आपसे फर्दर ये भी पूछ सकता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, डी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन, राइट। अब हमारे पास हमें ये पता है सी क्या होता है आपके पास डी यू बाई डी टी, तो वो आपसे एनर्जी भी पूछ सकता है, बाकी इनसे रिलेटेड भी पूछ सकता है, क्योंकि अगर डी यू कैलकुलेट हो जाएगा देन यहां से पूछ सकता है। ओके, सी डी टी कर देंगे तो डी यू हो जाएगा और वहां से आप ये चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर टू टू वन मल्टीप्लेक्सर एज शोन बिलो द आउटपुट एक्स इक्वल टू ए नॉट इफ सी इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू ए वन इफ सी इक्वल टू वन। अगर हमें ये गिवन नहीं है, ठीक है, तब भी हमें पता है मल्टीप्लेक्सर के हम आउटपुट कैसे निकालते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस इट विल बी फॉर जीरो, इट विल बी जीरो जीरो और से जीरो वन, राइट, अकॉर्डिंगली हमारे पास ये बिहेव करता है। ये तो हमारे पास अगर 2 क्रॉस 2 टू 1 है तो सिर्फ ये 0 और 1 में बिहेव करेगा। ओके, तो इसे लिखने का तरीका क्या होता है, ये सिलेक्ट लाइन के अकॉर्डिंगली हम चेंज करते हैं, दैट विल बी ए नॉट सी बार प्लस ए वन सी। ओके, अब देखिए ये कैसे आएगा आपके पास, अब ये कौन से ऑप्शन में हमारा मैच होता है, राइट, तो हम अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये आपके पास कितना है ए नॉट, ये कितना है, नॉट लग गया सी पर, दैट मीन सी बार, राइट, और ये कितना है आपके पास सी इट सेल्फ एंड देन इट विल बी ए वन। तो ये कितना बना आपके पास ए नॉट सी बार, दैट इज एंड गेट हियर, देन विल मल्टीप्लाई इट सेल्फ एंड इट विल बी ए वन सी, देन और गेट, दैट मीन्स दीज आर गेटिंग एडिड, राइट। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, दैट मैचेस इट सेल्फ, बट फॉर योर श्योरिटी यू कैन ऑल्सो चेक अदर ऑप्शन ऑल्सो, बिकॉज देयर इज ऑल्सो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, राइट, ये भी ध्यान दीजिए। अब हमारे पास मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, तो हमें क्या होगा, वैसे तो वो मेंशन होता है कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, ओके, तो अकॉर्डिंगली आपको वो सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से करिएगा। तो अब देखिए हमारे पास बी ऑप्शन है, ये कितना है आपके पास ए सी और ये नॉट है, देन इट विल बी ए वन सी बार, दैट इज योर रॉन्ग, राइट। अब ये कितना होगा, देखो ये और गेट है, दैट इज ए नॉट प्लस सी, है ना, ए नॉट प्लस सी बार, सॉरी सी बार है ना, नॉट लग गया है, एंड देन ए वन प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ए नॉट प्लस सी बार प्लस सी वन, ये तो इट सेल्फ यही है, अब सी बार प्लस सी लोगे तो वन बन जाएगा, तो ये कितना होगा ए नॉट प्लस ए वन। ओके, सो दिस इज नॉट करेक्ट, और ये वाला भी हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्म में बनेगा। ओके, सो योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इट सेज द एलिमेंट्री पार्टिकल इज प्लेस्ड इन बेरियन डुप्लेट, ठीक है, इसको हम चाई बोलते हैं और ये जीरो की फॉर्म में है, मतलब इसका चार्ज कितना है जीरो। ये हमारे पास तीन पार्टिकल्स होते हैं माइनस जीरो एंड प्लस, ठीक है। अब देखो बेरियन डुप्लेट हमारे पास क्या होता है, इस फॉर्म में होता है, ये हमारे कुछ पार्टिकल्स होते हैं डेल्टा माइनस, डेल्टा जीरो, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा प्लस प्लस,
इस पर प्लस टू चार्ज होता है, इस पे प्लस वन चार्ज होता है, इस पे जीरो, इस पे माइनस, एंड दिस बी सिग्मा माइनस सिग्मा जीरो सिग्मा प्लस, राइट, माइनस वन चार्ज, जीरो चार्ज एंड प्लस वन चार्ज, ओके, अकॉर्डिंगली दिस। अब ये देखिए एक और तरीका है, यहां से अगर हम ये लाइन कर दें तो ये कितनी है आपके पास, देखो चार्ज वाली बन रही है, माइनस वन जीरो प्लस वन एंड दिस विल बी प्लस टू इटसेल्फ, ओके। अब स्ट्रेंजनेस हमारी कैसे होती है, इसके अकॉर्डिंगली बिहेव करती है, हमने ये वैल्यूज पुट अप करके ये डुप्लेट बनाते हैं, राइट। तो अगर देखो अब यहां से हमें क्या है, कौन सी वैल्यू बतानी है कि ये कहां पर प्लेस होगा, राइट। अब ये देखो आप ये देखते हो कि ये प्लस टू चार्ज वाला है, देन इट विल बी प्लस वन, देन इट विल बी प्लस जीरो, और यू कैन से जीरो। तो यहां पे कहीं इन तीनों स्पॉट्स में कहीं बिहेव करेगा, बट अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंजनेस, देखिए स्ट्रेंजनेस में क्या होगा आपके पास, उसके माइनस टू, सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस इट विल बी एट पी पॉइंट हियर, ओके। सो दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नाउ देखिए लास्ट क्वेश्चन, द इंट्रिंसिक परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। अब देखिए ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट मीन्स ई एन इक्वल्स टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, राइट, एनर्जी ये होती है हमारे पास। बट हमें बोला है क्या ये डायपोल मोमेंट, इसका इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, ग्राउंड स्टेट जो होती है वो स्फेरिकल इन नेचर होती है, एंड बाकी नेक्स्ट वन इज प्रोलेट, प्रोबलेट और प्रोलेट फॉर्म में होती है, राइट। सो ग्राउंड स्टेट हमारे पास स्फेरिकल नेचर में है, इसका मतलब हमारा चार्ज क्या है, पूरा होल डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फेयर पर, राइट, एट एवरी पॉइंट इट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ओके। अब अगर वो यूनिफॉर्मली हमारा डिस्प्लेस है तो इसका मतलब वहां पे आपका कितना होगा डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो, राइट। सो दैट इज योर बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ओके। तो देखिए 15 क्वेश्चंस डन, ओके, आई होप आपको समझ आए हो। इस बार मैंने थोड़ा अलग मेथड ट्राई किया है, ओके, सो ताकि मैं समझाने पर ज्यादा फोकस कर सकूं। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा है तो फिर प्लीज बताइए मुझे कमेंट्स करके, और अगर मैं पहले की तरह ही फॉलो करूं देन मुझे वो भी बताइए, ओके। सो थैंक यू।